जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीके राम बागरी पर। तो आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो बीच में जो समय निकला उसमें मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो देने की कोशिश करी थी। तो जो क्लासेज हैं वो नहीं हो पाए क्योंकि थोड़ा सा मैं भी तैयारी में लगा हुआ था, मेरे भी एग्जाम था नेट का। और अब जो आगे हैं जो अपना टारगेट रहेगा वो रीट मेंस को लेकर के रहेगा, ठीक है। तो जो मैं अगला इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो रीट मेंस सिलेबस का जो डिटेल वीडियो है वो आएगा, आप उसको देखना मत भूलिएगा। आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान की जो नगरों के प्राचीन नाम है उनको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, तब तक आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानकारी ये आपको इस YouTube चैनल पर जो है मिलती रहेगी। आप यहाँ से जो मेवाड़ है वो मैंने पूरा करवा दिया है, पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ। उसमें मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी और NCERT जो 10वीं की बुक है वो, और प्लस कुछ जो नोट्स हैं वो शामिल करे हैं, ठीक है। तो जो आपका जो कंटेंट है उसके तो आप उसकी दिक्कत नहीं है, मतलब उसके बारे में आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। कि जो पहले मैं एक बार उसको देखता हूँ हिंदी ग्रंथ अकादमी में और NCERT में, उसके बाद में जो जहाँ स्पेशल फैक्ट हैं वो बताए जाते हैं, ठीक है। तो आज जो हम शुरू करेंगे वो राजस्थान के जो नगरों के प्राचीन नाम है वो देख लेते हैं। तो चुंगेर जो है अनूपगढ़ का प्राचीन नाम है, ये ध्यान रखना, चुंगेर अनूपगढ़। जयनगर सवाई जयसिंह ने बसाया था, इस वजह से इसका नाम जो है जयपुर है। जयपुर का जो प्राचीन नाम है सॉरी वो जयनगर है। विजयावली ये बिजोलिया को कहते हैं, ये भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि विजयावली ये जो बिजोलिया शिला लेके वहां पे मिला था हमें। अब इसके बाद में देखते हैं उत्तमाद्री, ये भी जो है उपरमाल का नाम है, ठीक है। दीर्घपुर डीग, जिसको हम जलमलों की नगरी भी कहते हैं, ये डीग का उपनाम प्राचीन नाम क्या है, दीर्घपुर। मांडवेपुर जो प्राचीन नाम है वो है मंडोर का, मंडोर जो कि कभी प्रतिहारों की राजधानी रहा था वो मंडोर, उसको हम मांडवेपुर के नाम से जानते थे प्राचीन समय में। उपकेश पट्टन जिसको ओशिया अभी अपन जो कहते हैं वो वर्तमान जो जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र है उसमें आ गया है उपकेश पट्टन, ठीक है। इसके बाद में जो देखते हैं नंदग्राम, ये नंदग्राम जो नाम दिया था कोटा को वो दिया था जो कोटा के महाराव भीम सिंह जी हैं उन्होंने। देखिए यहाँ पे दो चीजें करी थी उन्होंने, जो भीम सिंह जी उन्होंने अपना नाम बदल करके तो कृष्णदास कर लिया था, कोटा का नाम नंदग्राम कर दिया था, और जो अपने सैरगढ़ पड़ता है बारा में उसका नाम जो है बरसाना कर दिया था, ठीक है। बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है, ये जो कुंभकालीन जो कुंभा है महाराणा कुंभा उनके समय जो शिलालेख है उसमें इसका नाम वृंदावती मिलता है। गुजरातरा प्रदेश ये जोधपुर का दक्षिणी भाग है और इसको गुजरातरा प्रदेश कहा था ह्वेनसांग ने, जो चीनी यात्री आया था जिसको हम यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, हर्षवर्धन के समय भारत आया था, वो एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसी के बारे में जानकारी लेने के लिए भारत आया था। तो गुजरातरा प्रदेश किसने कहा था आपके, ह्वेनसांग ने। श्रीपंत जो है बयाना को कहते हैं, एक सोनितपुर भी आता है, ये दोनों नाम है, बयाना का भी आता है और एक कामा का भी आता है, कामा डीग में है। सत्यपुर ये सांचौर का नाम है, भी ध्यान रखना नेहड़ सांचौर। जाबालीपुर जालौर का है और सीवी जो है जनपद जो प्राचीन समय में था वो उदयपुर का प्राचीन नाम था, सीवी इसको मेवाड़ मेदपाट भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखना, जिसकी नगरी मध्यमिका थी, मतलब जो हम कहते हैं कैपिटल कह सकते हैं, मध्यमिका मझमिका जो नाम आते हैं वो है। उसके बाद में देखते हैं गोपालपाल करौली, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इसी तरीके से, ठीक है। गोपालपाल करौली का नाम है। देवलिया प्रतापगढ़, देखिए जब मैंने वहां पढ़ाया था महाराणा प्रताप के समय जो सॉरी सिसोदिया राजवंश से, तो जो मेवाड़ में दूसरा शाखा हुआ था रानी कर्मावती के समय, तो देवलिया के जो दीवान थे वो चित्तौड़ की तरफ से शाखा करते हैं, ठीक है। तो वो देवालिया किसका नाम है, प्रतापगढ़ का। बाघ सिंह जी जो थे वो यहाँ जो केसरिया करते हैं,
चीजें थोड़ी सी क्या है मिक्स हो जाती है, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखना आप, मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। जो देवलिया है वो प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम है। यहाँ के थे बाघ सिंह जी, जिन्होंने जो है चित्तौड़ के दूसरे साके के समय केसरी किया था, ध्यान रखना। तो अभी से उनका नाम देवलिया दीवान पड़ गया है। उसकी कंप्लीट जानकारी जो है मैंने वहां बता दी थी, तो आप वो अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, पुराने आपने तो देख लेना। कोठी जो है धौलपुर, इसका जो है प्राचीन नाम है। देखिए मैं अभी जो बता रहा हूँ वो सिर्फ प्राचीन नाम बता रहा हूँ, आगे जब हम पढ़ेंगे उपनाम में तो वहां पे इनके जो राजस्थान के मुख्य मुख्य नगर है उनके उपनामों के बारे में तो कंप्लीट डिटेल के साथ देखेंगे। चंद्रावती, ये सिरोही क्षेत्र है, उसको कहा जाता था सिहाड़ गांव नाथद्वारा। देखिए जब मैंने राज सिंह जी पढ़ाए थे तो मेवाड़ में वहां पे देखा था कि राज सिंह जी के टाइम पे जब औरंगजेब वृंदावन में मूर्तियां तोड़ कृष्ण भगवान की मूर्तियां तोड़वाने की कोशिश कर रहा था, तो वहां से जो साधु संत हैं वो मूर्तियां लेकर के अपने यहाँ आ गए थे। तो सिहाड़ गांव में श्री नाथ जी की मूर्ति लगवाई, तब से इसका नाम क्या पड़ गया, नाथ द्वारा पड़ गया, ठीक है। बटनेर हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम है, रामनगर आप जानते हो गंगानगर का श्री गंगानगर, अहिछत्रपुर नागौर, ये सांबर के जो आसपास का क्षेत्र था उसको अहिछत्रपुर नागौर स्पेशली और सपादलत सांबर का क्षेत्र, ठीक है। मेवल बोलते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र, ठीक है। देखिए मैं बता देता हूँ, ये डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं मेवल, और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं कांटल। अभी हम इसको एक बार मैप में देख लेंगे। तो देखिए आ जाते हैं आगे, उसके बाद में जांगल प्रदेश, रातिघाटी, बीकानेर। जो बीकानेर के महाराजा हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें है कि जो कर्ण सिंह हुए उनके तो जांगलधर बादशाह एक उपाधि भी है, ठीक है। तो उसको जो है प्राचीन समय में रातिघाटी कहा जाता था। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ब्रजनगर और एक है ब्रिजनगर। तो ब्रजनगर तो है झालावाड़, ब्रजनगर तो झालावाड़ है, और ब्रिजनगर भरतपुर डी को कहते हैं। तो हम आगे जब मैं वहां आपके जयपुर पढ़ाऊंगा तो वहां पे सवाई जो मिर्जा राजा जयसिंह हैं उनके समय ये उपाधि एक वहां पे दी गई थी, तो वो जो मैं बता दूंगा वहां पे देख लेंगे। वीरभान का वास वो सीकर में है, ठीक है। आगे चलते हैं पुष्प प्रदेश। देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो नाम है वो बहुत सारे प्राचीन नाम है, इसको पुष्प प्रदेश भी बोलते हैं। ये देखिए मैं बता देता हूँ, ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है इसको एक तो कहते हैं बागड़, एक तो कहते हैं बागड़ या बांगड़ कह देते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा सही कर लेना। ये बांगड़ ऊपर आता है, सॉरी, ये बांगड़ तो है जो ऊपर वाला जो चूरू सीकर जो नुसैकावाटी क्षेत्र है ये वाला, ये तो कहलाता है बांगड़, और ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है वागड़। ये क्या कहलाता है, वागड़। और इसी का जो उप प्राचीन नाम है वो पाताल प्रदेश भी है। ये हम उपनाम जब देखेंगे तो वहां मैं बता दूंगा, वागड़, पाताल प्रदेश, पुष्प प्रदेश और भी है, व्याघ्रवाट भी बोलते हैं इसको, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में देख लेते हैं, ये हो गया, चलिए आगे चलते हैं पुष्प प्रदेश। उसके बाद में मालव प्रदेश, जहाँ मालव जाति रही थी वो प्रतापगढ़ और झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो मालवा कहलाता था, ठीक है। चित्रकूट हम जानते ही हैं, चित्तौड़ का प्राचीन नाम है चित्रकूट। हेमकूट, ये जो पहाड़ी है इसी के ऊपर कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है, तो इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, हेमकूट। योगिनी पट्टन, मैंने जब वहां पढ़ाया था तो वहां बताया गया था इसके बारे में, जिक्र किया था कि जो कुंभा है उनकी एक पुत्री थी रमाबाई, जिसको हम वागीश्वरी के नाम से जानते हैं, तो उनको जावर का प्रज्ञा दिया गया था, और जावर का प्राचीन नाम योगिनी पट्टन है, ये हमने वहां जिक्र कर लिया था। अगर आपने उन्हें देखा है तो आप जो पुराने वीडियो हैं उनको देख लीजिए एक बार। जालौर का नाम स्वर्णगिरी है और सुवर्णगिरी, देखिए ये जालौर है ये सुवर्णगिरी पहाड़ी पर है, इस वजह से इसका नाम सुवर्णगिरी है, स्वर्णगिरी। इन दोनों में कंफ्यूजन मत रखना, ध्यान रखना। स्वर्ण का मतलब होता है सोना, क्या होता है सोना, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड।
जब जैसलमेर जो बना हुआ था वो पीले पत्थरों का बना है और उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो सोने की तरह चमकते हैं, इसलिए इसका नाम स्वर्ण नगरी। और ये सुवर्ण नगरी मतलब अच्छे वर्ण की नगरी, वो कौन सी? जालौर। अलवर का उत्तरी भाग ये कुरु जनपद हम देखते हैं, कौरव थे तो वो मैंने जब जनपद पढ़ाए थे तो वहां बता दिया था, श्रीमाल बीनमाल। अब देखिए वह स्थान जिनके नाम बदले गए हैं, तो चित्तौड़गढ़ जो है इसका नाम खिजराबाद। जब मैंने वहाँ चित्तौड़गढ़ का जो पढ़ाया था शाखा, प्रथम शाखा राहुल रतन सिंह के टाइम पे, तो उन्होंने चित्तौड़गढ़ को जीत करके, किसको? चित्तौड़ को जीत करके अपने बेटे के नाम खिजर खां के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया था? खिजराबाद। ये किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और इसका जो ये हमें नाम मिलता है, ये दाएबी पीर की दरगाह है चित्तौड़गढ़ में, खिजराबाद वहाँ मिलता है। जालौर का नाम जलालाबाद कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और सिवाना का नाम जो है खेराबाद कर दिया था। उसके बाद में गागरौन पर आक्रमण हुआ था महमूद खिलजी का, तो उसने इसका नाम बदल करके, जीत करके यहाँ से मुस्तफाबाद कर दिया था। उदयपुर में मैंने जब महाराणा प्रताप पढ़ाए थे तो अलदीघाट युद्ध के बाद में बताया था कि जब आमेर के जो मानसिंह जी अलदीघाट युद्ध को हार करके जाते हैं यहाँ आसफ खां और मानसिंह, तो अकबर नाराज होकर के उनको दरबार से निकाल देता है। और अकबर बाद में स्वयं आता है उदयपुर और यहाँ से 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाता है, और उदयपुर का नाम बदल करके क्या कर देता है? मोहम्मदाबाद। आमेर का नाम जो है मोमिनाबाद या इस्लामाबाद, ये बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम के टाइम की बात है कि जो हम आमेर पढ़ेंगे तो वहां मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से घटनाक्रम रहा था। फिर भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि जो जयपुर के हैं जयसिंह जी, तो उनके टाइम पे जो है इन्होंने मुअज्जम का साथ न देकर के आजम का साथ दिया था। इस वजह से ये मुअज्जम जो बाद में बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजा बना, ये नाराज हो गया था और इन्होंने जो है उनसे आमेर छीन करके इसका नाम मोमिनाबाद या इस्लामाबाद कर दिया था। ये ध्यान रखना, हम आगे जब पढ़ेंगे वहां पे कछवा वंश तो वहां मैं बता दूंगा। धर्मत, ये आपको पता हो 1658 की जो धर्मत का युद्ध हुआ था, जिसमें जो जसवंत सिंह जी गए थे मारवाड़ से, तो ये धर्मत फतेहाबाद औरंगजेब के समय इसका नाम जो है वो फतेहाबाद कर दिया गया था, क्योंकि धर्मत का युद्ध जो है कौन जीतता है? औरंगजेब जीतता है। और जब इधर से आपने जसवंत सिंह जी जब वापस मेवाड़ लौटते हैं तो उनकी रानी हाड़ी रानी थी जसवंत दे, वो दरवाजा नहीं खोलती है। वो सारी चीजें हम वहां पढ़ लेंगे। बूंदी का नाम फरुखाबाद है, और इडर क्षेत्र जो है ये गुजरात और मेवाड़ का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ महाराणा प्रताप की शादी भी हुई थी, तो वो गुजरात और मेवाड़ वाला क्षेत्र। वारगढ़ अभी बता दिया मैंने, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र भी बता दिया था, डूंगरपुर बांसवाड़ा बांगड़ और बांगर, ये सेकावाटी का क्षेत्र है, अभी हमने देखा था ये वाला। ये ऊपर का तो बांगड़ है, इसको बांगर भी कहते हैं, और ये वागड़ है। चलिए उसके बाद में आगे देखते हैं, कुरु की राजधानी मतलब जो कुरु जनपद था उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जिसको अभी हम वर्तमान दिल्ली के नाम से जानते हैं, ये इनके जानकार मतलब राजधानी रही थी जो कौरव थे उनकी। फिर उसके बाद में देख लेते हैं भीनमाल, तो भीनमाल को ये मैंने बताया था हव इंसान जिसको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, इसने भीनमाल को नाम दिया था पीलो मोलो, और बेराट को नाम दिया था पार यात्र, ठीक है। हय हय क्षेत्र इसने कहा था कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ को। डांग का जो क्षेत्र है वो करौली सवाई माधोपुर और धौलपुर वाला, इस वजह से करौली को डांग की रानी कहा जाता है, करौली डांग की रानी है और डांग का राजा है धौलपुर, ध्यान रखना भी, ठीक है। चलते हैं आगे, अगर चीजें अच्छी लग रही हो तो आप एक बार इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और भी अपने दोस्तों को जो है पहुंचा सकते हैं ताकि उनको भी जो है कंप्लीट जानकारी मिले, ठीक है। उसके बाद में आगे शुरू करते हैं मगरा, तो मगरा जो है बालोतरा और पोकरण के बीच का जो क्षेत्र है वो है मगरा, एक भेड़ की नस्ल भी होती है। मालाणी जब हम पढ़ते हैं आगे, हम मारवाड़ पढ़ेंगे तो वहाँ इसके बारे में और कंप्लीट अच्छे से देखेंगे कि मालाणी जो क्षेत्र है वो मलिनाजी के नाम पर है, तो जालौर और बालोतरा के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मालाणी। सालवा प्रदेश ये अलवर को बोलते हैं क्योंकि सालवा एक जाति थी और ये जो अपना उत्तरी राजस्थान है उसकी तरफ रहे थे। मांड
ये जैसलमेर का प्राचीन नाम है, इसको वल्ल प्रदेश भी बोलते थे और दुंगल भी, इसी वजह से जो है मांड गाय की वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की। ये ध्यान रखना, गीरवा क्षेत्र ये उदयपुर का है, डेवर झील जैसमंद का प्राचीन नाम है, या ये अभी सलुम्बर में आ गया भाई, इसको ध्यान रखना, नया जो जिला बना है सलुम्बर जैसमंद झील उसमें आ गए। योद्धा क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, इसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया हुआ है जनपदों के, जनपद जो पढ़ाए थे उसमें, तो आप जनपद वाले वीडियो में देख लेना। योद्धे भी एक जो है युद्ध प्रेमी, या यूं कहूँ लड़ाकू एक जाति थी, तो योद्धे जो है वो पश्चिमी भारत से अपने राजस्थान की तरफ आए थे, तो ध्यान रखना। तो देखिए कैसा लगा आपको, मैंने कोशिश करी है समझाने की जो प्राचीन नाम है वो। तो जो अपना नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो रिट मेंस को लेकर के, इसका सिलेबस हम पूरा संपूर्ण जो सिलेबस उसको डिस्कस करेंगे, और अपना जो टारगेट रहेगा वो जो रीट मेंस है, ये ध्यान रखना भाई, ये टारगेट है अपना, रीट मेंस का सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें करवाई जाएगी। जो राजस्थान जीके का पार्ट है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट, वो हम देख लेंगे उसमें कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का है। तो सबसे ज्यादा जो जीके है तो पहले राजस्थान जीके, क्योंकि लगभग लगभग सब एग्जाम में आती है, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट डिटेल के साथ, मेरी कोशिश है कि मैं आपके एनसीईआरटी को भी साथ में लेके चलूं, और ऑथेंटिक, और जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है, ऑथेंटिक बुक मानी जाती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, तो उनके फैक्ट में इसको इसमें शामिल करके चलता हूं। तो आप जो है देख लीजिएगा एक बार, आपने अगर नहीं देखा है तो मेवाड़ राजवंश मैंने पूरा करवा रखा है। आप चैनल जैसे जाएंगे चैनल पे प्लेलिस्ट देखना, उसमें मेवाड़ राजवंश और अपने सभ्यताएं, वे सभ्यताओं को मैं जो अपडेट हुई हूँ उसके हिसाब से एक बार फिर दोबारा एक मैराथन क्लास ले लेंगे, जिसमें मुख्य मुख्य चीजें समेट लेंगे। तो मेवाड़ राजवंश, और इससे पहले मैंने जो है मैं बता देता हूँ, एक तो जो सभ्यता, सभ्यताओं पे मैंने बहुत अच्छे से वर्क करके पूरे इमेजेस के साथ जो है चीजें, सभ्यताओं सिर्फ स्थान बदले हैं, तो आप चाहें तो उनको यहाँ से पढ़ करके सिर्फ नोट्स में इतना अपडेट कर लें कि कौन सा स्थान कहाँ पे। तो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाए हुए पूरे चित्रों के साथ, सभ्यता, फिर उसके बाद में जनपद, और फिर राजपूतों का उदय काल किस प्रकार से रहा था, वो घटनाक्रम, वो सारी चीजें हमने देख लिए, और मेवाड़ राजवंश ये पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ, आरएस लेवल की चीजें हैं इसमें, ध्यान रखना आप, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट मतलब अच्छे से मैंने विश्लेषण करके खुद पढ़ करके तैयार करके और चीजें समझाई हैं, कंप्लीट करवाई हैं। तो आप देख लीजिएगा एक बार, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो रीट का मेन सिलेबस है उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो तो। अब ऐसी जो है आपको और इन्फॉर्मेशन वीडियो आती रहेगी, अपने दोस्तों के साथ एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।